everyone, in this video I will cover how to create the basic ad. So first of all, go to the your profile account, go to the create and click here ad. इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं बेसिक एड किस तरीके से तैयार करते हैं. आफ्टर दिस हम इसको पूरा डेप्थ में करेंगे, बट अभी इसमें हम एक बेसिक एड बनाना सीख रहे हैं और एड किस तरीके से बनानी चाहिए, क्या हमें रखना है इसके अंदर, क्या कंटेंट होना चाहिए, इससे वीडियो में हम सारा ये कवर करेंगे. जब एक बार हमें बेसिक एड बनाना सीख लेंगे उसके बाद हम एक ऐड पूरा डेप्थ में इसको पूरा अच्छी तरीके से और भी कवर करेंगे. अभी मैं इसमें आपको सिर्फ बेसिक ऐड बनाना सिखा रही हूँ. इसके बाद जब आपका हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे लैंडिंग पेज वगैरह भी हम कवर करेंगे, लैंडिंग पेज से रिलेटेड आपकी वीडियो आएंगी. और इस वाली वीडियो में आपको सिर्फ मैं यही सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने बेसिक एड्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं एड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है ऐड पे. जैसे आप ऐड पेज पे क्लिक करोगे तो ये आपका ऑलरेडी मैंने टैब खोला हुआ है, ये ऐड पेज आपका खुल जाएगा इस तरीके से. देन हमें अब अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है. आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अपने ऐड में क्या कराना चाहते हो, अवेयरनेस करवाना चाहते हो या फिर कंसिडरेशन करना चाहते हो कन्वर्जन. ऑलरेडी ये हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं कि इन सबका पर्पज़, हर एक ऑब्जेक्टिव का क्या क्या पर्पज़ है. अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इनसे रिलेटेड, प्लीज़ पहले वॉच कीजिए उन वीडियो को, देन आप इसको फिर कंटिन्यू करें. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि बेसिक ऐड किस तरीके से तैयार करते हैं. लाइक जैसे मुझे अपनी एक ऐड तैयार करानी है, मतलब लाइक कमेंट या शेयर से रिलेटेड, मतलब मैं अपनी चाहती हूँ मेरी पोस्ट पे लाइक आए या मेरी कोई भी इमेज है उस पर कमेंट आए, शेयर आए, लाइक. तो हमें उसके लिए अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करना पड़ेगा इंगेजमेंट. तो हमें क्योंकि हमारे लाइक कमेंट के लिए हम कौन सा अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं, इंगेजमेंट, हमें इसको सेलेक्ट करना है. ठीक है, जैसे आपने इसको सेलेक्ट करोगे इंगेजमेंट, यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएंगे आपके. देन आपको यहाँ से क्या करना है, पोस्ट इंगेजमेंट. पहले आप अपने कैंपेन का नाम रखेंगे, आप अपनी पहले पोस्टिंग, आप इंगेजमेंट चाहते हो या लाइक. लाइक मैं अपना अपनी लाइक वाली ऐड चलवाना चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना है, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा हम फेसबुक पे जो लाइक करवाते हैं, जो हम ऑर्गेनिक करवाते हैं, फेसबुक का एक पेज बनाते हैं, तो ऑर्गेनिक में इतना हमें ट्रैफिक नहीं मिल पाता है. बट अगर हमें स्टार्टिंग का हमें अपना पेज है, अगर हम चाहते हैं मेरे फेसबुक पे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा पेज पे लाइक आ जाएँ, तो हमें आज की डेट में हम ऑर्गेनिक ज़्यादा पेड एसईओ कराते हैं, हम क्या करवाते हैं, पेड ऐड चलवाते हैं. तो हमें अपनी फेसबुक पेज पर अगर लाइक करवाना है तो हमें यूज़ करना होगा ये पेज लाइक. ठीक है, पोस्ट इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब क्या है, या तो कोई कमेंट करता हो इस तरीके से, कमेंट करे या शेयर करे, उसको बोलते हैं हम इंगेजमेंट. लाइक का मतलब मेरे फेसबुक जो हमने पेज बनाया उसके पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लाइक. तो हमें इस टाइप की ऐड चलवानी है तो मैं यूज़ करूँगी पेज लाइक ऑप्शन. अब हम कैंपेन का नाम यूज़ कर लेते हैं, मैंने इसका नाम ही रख दिया पेज लाइक ऐड. ठीक है, ठीक है. देन हमें इसमें आपके ऑप्शंस हैं क्रिएट स्प्लिट टेस्ट एंड कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन. ये वाला जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगी जब हमें लैंडिंग पेज कराने के बाद, बट अभी इस वाले पार्ट को हम छोड़ रहे हैं कि क्या होता है इसका पर्पस. अभी सिर्फ आप बेसिक एड्स सीख रहे हो, तो इस पर आपको हम बेसिक एड्स वगैरह बता रही हूँ कि किस तरीके से तैयार करते हैं. बट ये वाला पार्ट मैं आपको ऑलरेडी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वैसे मैं लास्ट वीडियो में कवर करा चुकी, बट एक स्प्लिट टेस्ट आपका रह चुका है, तो ये स्प्लिट टेस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी आफ्टर लैंडिंग पेज. ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं. अब यहाँ पे आपका आ रहा है एड सेट नेम, आपको अपना एड सेट का नाम देना है. आप एड सेट का नाम आप यहाँ से क्या जिसमें आ रहा है इन 18+, आप अपने एड सेट का एक नाम दे सकते हो. तो मेरे को क्या अपने फेसबुक पेज को क्या कराना है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, तो आप अपने पहले यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव चूज़ किया, अब यहाँ पे क्या आप अपने एड सेट का एक नाम दे सकते हो. मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस पर, मतलब एड सेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने लाइक दे दिया नाम, एड सेट का नाम एजुकेशन. ठीक है, आप भी कोई नाम दे सकते हो, मैंने ये दे दिया है. यहाँ से आपको चूज़ करने के लिए बोलेगा पेज, आपको कौन सा अपना, किस पेज के लिए आप अपना ये ऐड तैयार करवा रहे हो. तो यहाँ पे अगर आपके, अगर आप नया चाहते हो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, बट ऑलरेडी मेरा फेसबुक का पेज बना हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो न्यू फेसबुक पेज, बट ऑलरेडी मेरा फेसबुक का पेज बना हुआ है. तो मैंने क्या है, इसमें जो ऑप्शन सारा इसको मैंने क्या करा है, चूज़ कर लिया है. नेक्स्ट आता है आपकी ऑडियंस. अब आपको इसमें चूज़ करनी होगी अपनी ऑडियंस. आप या तो क्रिएट न्यू ऑडियंस कर सकते हो या फिर आपकी सेव ऑडियंस. ये सब ऑप्शन तभी होंगे अगर आप, जैसे कि अगर आपने अपनी वेबसाइट पे एक फेसबुक पिक्सल कोड होता है वो लगाना होता है, तो उसमें आपसे ऑडियंस बन जाती है. बट अभी ये पिक्सल कोड मैंने अभी कवर नहीं कराया, मैं इस पिक्सल कोड को भी कवर कराऊंगी. तो यहाँ पे क्या है, हम आप कस्टम ऑडियंस, ठीक है, आप कस्टम ऑडियंस या आप ऑडियंस आप नहीं बनाना चाहते हो
तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं हम, कस्टम ऑडियंस ना करके हम अपनी एक ऑडियंस पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें क्या है, ठीक है, तो ये वाला जो हम कस्टम ऑडियंस वाला पार्ट है जो हम फेसबुक पिक्सल करेंगे उसमें ये कवर कराऊंगी मैं कस्टम ऑडियंस। बट अभी हमें क्या है, एक बेसिक एड बनाना सीख रहे हैं, तो अभी हम अपनी ऑडियंस अभी नई वो क्रिएट कर रहे हैं। ये वाला हम पार्ट तब करेंगे जब हम अपने क्या करेंगे, पिक्सल कोड यूज़ करेंगे। तो अभी क्या है, हमें क्या है ऑडियंस सेट करनी है, हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो क्रिएट न्यू ऑडियंस, ठीक है, ये ऑप्शंस आ गया है। यहाँ पे लोकेशंस में जाके आपको क्या है, आप कौन अपनी एड कहाँ दिखाना चाहते हो, इंडिया में, हमने ये इंडिया ले लिया। अब इंडिया में वो एड कहाँ पे, ठीक है, अब इसमें इंडिया में भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस, अब यहाँ पे इंडिया में कहाँ, अगर मैं दिखाना चाहती हूँ अपनी एड, यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शंस में, आप पर्टिकुलर ब्राउज भी कर सकते हैं, कंट्री, ठीक है, कंट्री के अंदर आप किस में, यहाँ पे ऑलरेडी दिख ही रहा है हमारे पास, हमें सिर्फ ये इंडिया वाली है। अगर इंडिया के अंदर हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर, मैं यूज़ करना चाहती हूँ अपनी जो ऐड चलवाना चाहती हूँ गाजियाबाद के अंदर चलाना चाहते हैं, तो आप अपनी यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया। तो हमारी जो ये ऐड है हमारी कहाँ पे दिखाई देगी, गाजियाबाद। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है लोकेशन, हमने मैंने सबसे पहले अपनी चूज़ किया करी है लोकेशन, मुझे अपनी जो ऐड दिखानी है गाजियाबाद लोकेशन में दिखानी है। तो ये पर्टिकुलर मुझे सिर्फ अपने, क्योंकि मेरा जहाँ का बिजनेस है पर्टिकुलर उससे रिलेटेड ऐड दिखानी है। अगर आप चाहते हो, अगर आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड लेवल पे है तो आप अपनी कंट्री को चूज़ करोगे, बट मेरा बिजनेस क्या है पर्टिकुलर गाजियाबाद एरिया है, इंडिया के अंदर गाजियाबाद में मुझे अपनी ऐड दिखानी है। तो अब यहाँ पे चार ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है पीपल लिविंग इन रिजेंटली इन दिस लोकेशन, जो इस लोकेशन पे रहते हैं, या यहाँ पे लिखा है कि अभी जैसे आए हुए पीपल, यहाँ पे ना पीपल लिविंग इन या फिर रिजेंटली इन दिस, अभी वो उस लोकेशन पे अभी हैं या फिर रहते हैं। आपको दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि पीपल लिविंग जो इस लोकेशन पे रहते हैं, तीसरा ऑप्शन आ रहा है पीपल रिजेंटली अभी इस टाइम जो गाजियाबाद लोकेशन में उनको दिखानी है, या फिर जो गाजियाबाद में ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे दिल्ली में रहते हैं बट ट्रैवलिंग करते हैं दिल्ली टू गाजियाबाद, गाजियाबाद टू दिल्ली, इस तरीके से, तो मुझे उन लोगों को दिखानी है। तो अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो, नहीं मुझे किसको दिखानी है, या मैं जो गाजियाबाद लोकेशन पे रहते हो, तो मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया ये। अब यहाँ पे आ रहा है 40 किलोमीटर तक एरिया, अगर आप चाहो तो आप पर्टिकुलर पिन कोड वगैरह भी डाल सकते हो कितने एरिया में मेरे को दिखानी है, बट मेरे को अभी दिखानी है अपनी ऐड पूरे गाजियाबाद एरिया में दिखानी है। तो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, मेरी ऐड उन लोगों को दिखाई देगी जो गाजियाबाद लोकेशन में रहते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो लोकेशन है रीच कितने लोगों तक पहुँचेगी, ठीक है, 5.8K टू 17K, कितने लोगों पेजेस पे, लाइक 336 टू 970, यहाँ पे जो दिखाई दे रही है मेरी पोटेंशियल रीच, मतलब इतने लोगों तक मेरी ऐड क्या है ये पहुँचेगी। अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर लूँ, अब आप देख रहे होगे यहाँ पे मेरी लोकेशंस क्या, हमने मैंने ये लोकेशन मुझे गाजियाबाद के अंदर मोदी नगर वाली लोकेशंस को भी दिखानी है, तो देख रहे होगे आप यहाँ पे मेरी रीच कितनी हो गई है, 19, इतनी इस टाइप से। तो इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस के लिए मुझे पर्टिकुलर जहाँ पे मुझे अपनी ऐड दिखानी है उन क्या कर सकते हो, आप लोकेशन को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें मुझे यूज़ करनी है एज, मुझे अपनी ऐड कौन सी एज वाले लोगों को दिखानी है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है। तो मेरा जो पर्टिकुलर मैं एजुकेशन से रिलेटेड बना रही हूँ, तो मुझे 16+ मेरी जो ऐड है मेरी में जो मतलब जो मैं कोर्स कराऊंगी, तो उसमें सिर्फ जो पर्सन होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने में इंटरेस्ट हो सकते हैं मे बी, तो वो जो इंटरेस्ट है 65 का, तो कहीं मतलब मुझे ये ऐड उन लोगों को दिखनी चाहिए जो मतलब 40, तो यहाँ से आप 18 to 14, मुझे 18 to 14 एज वाले जो पर्सन हैं उन लोगों को अपनी ऐड दिखानी है। अब इसमें भी आपके दूसरा ऑप्शन आ रहा है जेंडर, ये ऐड किनको दिखेगी, मैन को या वुमेन, अब मैं ऑल करूँगी तो सभी को दिखेगी, बट कुछ लोगों के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर क्या है हमारे वुमेन्स को दिखाने होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं मैन के लिए होते हैं। तो आप इसमें से अपने अगर आपके कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ई कॉमर्स से ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह सेलिंग करते हैं, तो आप आपके कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो मैन के लिए होते हैं, कुछ वुमेन्स के लिए होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है इनमें से, बट मेरे एजुकेशन क्या है उसमें मैन भी होंगे और वुमेन भी। लैंग्वेज, ठीक है, तो लैंग्वेज इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर कुछ लोग ऐसे, मुझे सिर्फ हिंदी हिंदी वाले लोगों को दिखानी है, या फिर इंग्लिश,
ठीक है, इस तरीके से आप ये मान लीजिए इसमें जो भी आप एडजस्ट डालेंगे यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है डिटेल टारगेटिंग, आप किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो। देखो अब यहाँ पे है मेन डिटेल टारगेटिंग, अब मेरी जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो मेरी ऐड किन लोगों को दिखे। अब यहाँ पे बात आती है मेरी ऐड किन को, तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं होता, कई लोगों को पता नहीं होता कि मेरी ऐड किन लोगों को दिखाएं, तो मैं अपनी ऐड उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ जिसका इंटरेस्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आ गया यहाँ पे फ्लिपकार्ट, जिसका इंटरेस्ट फ्लिपकार्ट वेबसाइट में, या अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आ गया जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना, तो हमारी ऐड उन लोगों को दिखेगी जो जिनका इंटरेस्ट फ्लिपकार्ट में, जिन लोगों ने कभी ना कभी फ्लिपकार्ट शॉपिंग की होगी या अमेजन से वगैरह से शॉपिंग की होती है, तो आप इस तरीके से आप अपनी उन लोगों का जिनका इंटरेस्ट, अगर उन लोगों ने कभी, तो उन लोगों जिन्होंने कभी फ्लिपकार्ट से या अमेजन से या जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड को सर्च करते हैं, तो उन लोगों को मेरी एड यहाँ पे दिखाई। तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेमोग्राफिक अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने यूज़ करती हूँ। ठीक है, आप जैसे आप अमेजन करते हो, जैसे अगर मैंने ये लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप अमेजन ले लेते हो यहाँ पे आपके, ठीक है, यहाँ पे आपके सजेशंस में भी आने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा था, अभी यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाई दे गया, क्योंकि पर्टिकुलर जिसने किंडल फायर एक अमेजन का प्रोडक्ट है ये, अगर आप ये इन जिसमें भी इसको इंटरेस्ट हो उन लोगों को मेरी ऐड दिखाई दे, ठीक है। तो अगर मैं और भी देखती हूँ इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ऐड को यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है तो उन लोगों को मेरी ऐड क्या होगी दिखाई देगी। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर अब मैं यहाँ जैसे इसका है फ्लिपकार्ट था और ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम इसमें लें अब मिंत्रा आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये दिख रहे होंगे कुछ इस तरीके से अपने सजेशंस में भी आ जाते हैं आपके सजेशंस के अंदर, जैसे ये दिखा आपको यहाँ पे ओल्ड भी, जैसे जिनका इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप देखो डिस्क्रिप्शन में पीपल हु हैव एक्सप्रेस एंड इंटरेस्ट इन ऑल लाइक पेजेस रिलेटेड टू, जो पर्सन मिंत्रा के पेज को लाइक करते हैं, जो मिंत्रा के पेज से रिलेटेड हैं, उन लोगों को मेरी क्या दिखाई देगी, एड दिखाई देगी। तो आप इस तरीके से अपनी क्या कर सकते हो, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, उन लोगों को मेरी ऐड क्या हो जाएगी, दिखाई दे जाएगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि ये ऐड किस तरीके से चलती हैं, कि लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका खुद का फेसबुक, आप लोगों ने खुद देखा होगा आपका जो ये फेसबुक पेज होता है, तो फेसबुक पेज के अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट एड्स होती है, वो आप तक वो ऐड पहुंचती कैसे, क्योंकि आप उनकी क्या हो, टारगेट ऑडियंस हो। क्योंकि आपने देखा होगा आप अमेजन्स वगैरह होते हैं या फ्लिपकार्ट हैं, या अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सर्च करती हूँ, तो जब डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करती हूँ मेरे पास मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐड दिखाई देती हैं। या अगर मैं अमेजन से मैंने जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो अमेजन से मैंने प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की क्या दिखाती रहती हैं, एड्स दिखाती हैं, तो वो इसीलिए दिखाई, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। जब इंटरेस्ट है तो आपके स्पॉन्सर्ड पेज देखे होंगे, आप लोगों को ऐड दिखाई देती है, क्योंकि आपने कभी ना कभी उनको क्या किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, उनसे कुछ पेज को लाइक किया होगा या कमेंट किया होगा, तो फेसबुक के पास आपका क्या है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशंस है। तो तभी इसीलिए जब फेसबुक, जैसे आपको मैं अभी इसमें दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या आ रही है, हमें जब कोई ऐड दिखाने चलानी होती है तो हमारे पास यहाँ डिटेल टारगेटिंग होती है, तो हमारी ऐड उन लोगों को दिखाई देगी जब हम ऐड चलाते हैं, तो हमारे ऐड में क्या हमें टारगेट करनी होती है, मेरी ऐड किन लोगों को है, जिनका इंटरेस्ट फ्लिपकार्ट वेबसाइट में, जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट में हो। तो इस तरीके से तो आप अपनी ऐड को क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी ऐड यहाँ पे होती है। तो यहाँ हमने टारगेट कर लिया है, नेक्स्ट इसमें होता है हमारा फेसबुक पेज। अब यहाँ पे कनेक्शन, अब मेरी जो ये सबसे बात है कि जो मेरी ऐड है वो किन लोगों को दिखती है, यहाँ पे आ रहा है फेसबुक पेज, जो पीपल आपके पेज को क्या करते हो, लाइक करते हो, या फ्रेंड्स ऑफ हु पीपल हु लाइक योर पेज, ये एक्सक्लूड। हमें एक्सक्लूड क्यों करना है, यहाँ पे हटा एक्सक्लूड इसलिए क्योंकि हमें ऑलरेडी जो मेरे पेज को लाइक करते थे बाई डिफॉल्ट उन्हें तो मेरी ऐड दिखाएगी दिखेगी ही, तो मुझे इसलिए इसको क्या करना है, इसको एक्सक्लूड ही करना है, क्योंकि मेरी अब यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीपल हु लाइक या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड हु लाइक योर पेज, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने इसको, हमें इन लोगों को अपनी ऐड
एक्सक्लूड क्यों, हमने एक्सक्लूड क्यों कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे फेसबुक पेज को जो लाइक करते हैं तो उन्हें ऐड दिखा के भाई ऑलरेडी उनको वो ऐड दिखेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या है, जो भी हम कुछ फेसबुक में डालते हैं उन लोगों को तो मेरे पास मेरी ऐड क्या है पहुँचेगी ही पहुँचेगी। तो यहाँ पे आप कनेक्शन में कर सकते हो, आप अपनी ऐड किस में, फेसबुक पेज में, जो आपके पेज को लाइक, जिन्होंने आपके पेज को कभी लाइक किया, मतलब क्या यहाँ से आप उन लोगों को ऐड अपनी दिखाना चाहते हो, अपने फेसबुक पेज पे क्या कराना चाहते हो, लाइक करवाना चाहते हो। तो कनेक्शन में हमने यहाँ पे क्या दिया, उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जो ऑलरेडी मेरे पेज को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूड का मतलब उन लोगों को मेरी ऐड दिखाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे पेज को लाइक करते हैं। इस तरीके से हम ऑडियंस को क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ऑडियंस को क्या करा, सेव कर लिया, ठीक है। अभी ये यहाँ पे आता है, इसके बाद जैसे आप चलते हो यहाँ पे आता है आपका ये प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना होगा क्या क्या करा है मैंने, सब एक और दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ किया था, फिर मैंने एड सेट चूज़ किया, एड सेट में एक नाम दिया, यहाँ पे फेसबुक पेज दिया, फिर यहाँ पे मैंने अपने ऑडियंस को क्या करा है, सेट किया है कि मेरी एड कहाँ दिखनी चाहिए, मतलब गाजियाबाद के अंदर, मोदीनगर के अंदर, कौन सी एज वाले लोगों को दिखनी चाहिए, 18 to 14, किन लोगों को दिखनी चाहिए, जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में, जिनका इंटरेस्ट फ्लिपकार्ट वेबसाइट में हो, जिनका इंटरेस्ट अमेजन के किंडल फायर में हो। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियंस को क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। अब बात आती है हमारी प्लेसमेंट, मेरी एड कहाँ पे। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी हम प्लेसमेंट कर चुके हैं, तो जैसे आप ये करना चाहो ऑटोमेटिक या फिर मैनुअली, ऑलरेडी इसके बारे में बता चुकी हूँ आपकी एड कहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नए यूजर हो, तो अभी हमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें फेसबुक या कहीं पे, जब आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऐड डाल रहे हो, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपका ये सारा कंप्लीट होने के बाद, अभी आपने यहाँ पे ऑलरेडी बजट वगैरह सेट, ये अगर करना है तो आप यहाँ से बजट अपना क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा है 1000 आपको बजट अपना सेट कर लीजिए अपनी ऐड के लिए, मैंने अभी रख लिया 500, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आपके और भी एडवांस ऑप्शंस हैं, इसके अंदर जो हमारा बजट सेट हो गया, तो यहाँ पे हो रहा है आप अपनी ऐड आपकी ऐड पे चार्जेस कब लगे, इम्प्रेशन पे या फिर यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं इम्प्रेशन पे होने चाहिए या पेज लाइक पे। तो यहाँ पे आपकी जो आपकी ऐड है, आपके एड से भी यहाँ पे आ रहा है आपका, इसमें जो दिखाई दे रहा है पेज लाइक का, क्योंकि यहाँ पे मेरा कौन सा है, इसको कौन पेज लाइक पे, मतलब जब मैं बिजनेस पेज से रिलेटेड होंगी, अभी मैंने क्या क्रिएशन अकाउंट, अपने खुद के अकाउंट बनाया हुआ है। तो अगर ये बोल रहा है आपकी ऐड पे चार्जेस कब लगने चाहिए, आपकी ऐड पे चार्जेस लगने चाहिए जब आपकी वेबसाइट पे कोई मतलब व्यू करे या फिर आपके पेज पे लाइक करे, तो वो आपकी मर्जी, आप कौन सा करवाना चाहते हो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ये तभी हटेगा अगर आप इसको क्या लिखा ना, ऐड अकाउंट ऑन माई बिजनेस न्यू टू द फेसबुक प्रोडक्ट कैन चूज दिस ऑप्शन टू पे फॉर एड आफ्टर सेवरल वीक ऑफ फॉलोइंग योर पॉलिसी। ये जैसा भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये लॉक लगा हुआ है, अगर आपने ये तभी हटेगा अभी, क्योंकि आपका अकाउंट ये भी बिल्कुल नया है, और ऐड अकाउंट ऑन माई बिजनेस न्यू टू फेसबुक प्रोडक्ट कैन चूज दिस ऑप्शन टू पे फॉर एड आफ्टर सब, कुछ दिनों बाद ये अपना आपका ये हट जाएगा जब आप इसमें ये बजट वगैरह अपना ऐड कर लोगे। अभी ये यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ आ रहा है, ये तभी हटेगा जब मैं इसमें कुछ में पेमेंट ऐड कर लूँगी। यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है कि आपकी ऐड पे चार्जेस कब कटे, या तो इम्प्रेशन टाइम पे या फिर लाइक टाइम पे, तो आपकी मर्जी इनमें से जो चूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ऐड शेड्यूलिंग, अब आपकी, क्योंकि आप जो फर्स्ट टाइम ऐड किसी को अभी ये पता ही नहीं है, आपके पास ऑडियंस टारगेट ही नहीं है, मतलब मेरी ऐड मुझे कब चलानी, जैसे अगर मैं मुझे 9 बजे चलानी है, 10 बजे चलानी है, या इस तरीके से। तो अभी हमने यहाँ पे जैसे रन ऐड, ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो रन ऐड ऑन ए शेड्यूलिंग, ठीक है। शेड्यूलिंग जो ऑनली विद लाइफ टाइम, क्योंकि अभी हमने बजट मेनली इसमें ना पता है बजट सेट करना होता है, अभी हमने बजट सेट नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या ऐड शेड्यूलिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रन ऐड ऑल द टाइम, अभी आपकी ऐड क्या है पूरे दिन में, क्योंकि अभी हमें कोई आइडिया नहीं होता है जब फर्स्ट टाइम, तो हमें रन करना है ऐड ऑल द टाइम, जब आपकी ऑडियंस टारगेट हो ना, तो आपको तब ऑप्शन यूज करना है ये वाला रेड एंड ऑन शेड्यूल। इसका मतलब क्या, मुझे अपनी मेरी ऐड तब दिखेगी, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे 9 बजे दिखनी, मेरी ऐड दिखनी चाहिए 9 बजे के टाइम पे, या ऐड चलनी चाहिए मेरी 5:30 पे, इस तरीके से। तो ये डिपेंड ये तब करेगा जब आप क्या कर लोगे, ये तब दिखाई देगा आपकी ऐड पे जब आपकी ऑडियंस सेट हो। अभी फर्स्ट टाइम जब आप ऐड चला रहे हो, तो आपको यूज करना है रन ऐड ऑल द टाइम, ठीक है। वैसे आप शेड्यूल सेट कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं डिलीवरी टाइप। अब डिलीवरी और टाइप में क्या है, आपको स्टैंडर्ड करनी है या एक्सेलरेटेड। अब बात करते हैं इसमें स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड में क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्या, कि आपने एक बजट सेट जो कर दिया है, ठीक है,
तो वो स्टैंडर्ड के अंदर क्या है, 24 घंटे के अंदर, मतलब जो भी आपने ऐड की हुई है, जैसे कि तो जो फेसबुक वाला है वो अपने हिसाब से क्या कर देगा, जैसे आपने जो भी 500 का बजट सेट किया है वो अपने हिसाब से उसमें से क्या करता रहेगा, कभी 2 बजे दिखाएगा, कभी 3 बजे दिखाएगा या 4 बजे, इस तरीके से। तो इसमें फेसबुक वाला खुद डिसाइड कर लेगा कि 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे, क्या मतलब पूरे दिन के ऐसा नहीं करता वो, कंटिन्यू आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद ये आपकी एड शो होती है। बट एक्सेलेटेड में क्या होता है, एक्सेलेटेड में क्या, आपने जो पैसे सेट कर दिए वो 24 घंटे के अंदर, मतलब बहुत क्विक 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 वे में आपका क्या कर देगा, आपके पैसे खर्च कर देता है और पूरा बजट जो है वो 24 घंटे के अंदर आपकी पर्टिकुलर क्या अगर आपकी पूरी ऐड दिखा देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पर्टिकुलर वो कंटिन्यू आपकी चलती रहेंगी। एक्सेलेटेड में क्या है, आपका बजट बहुत जल्दी इसके अंदर खत्म होता है और आपकी ऐड ये क्विक वे में दिखाता है। बट स्टैंडर्ड में क्या होता है, हर 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे के, तो आपको जो बेसिकली यूज़ करना है अभी हमें स्टैंडर्ड, देन इसमें कर दो आप कंटिन्यू। अब इस वाले पार्ट में हम बनाएंगे एक बेसिक ऐड। तो ऐड का नाम हमने जैसे ये रखा है, इसमें इस लिंक ऐड का नाम रख लेते हैं, ऐड का नाम रखा हमने एजुकेशन। एजुकेशन ठीक है। अब यहाँ पे फेसबुक ऑलरेडी पेज हमारा चूज है, अब इसमें हम फॉर्मेट यूज करते हैं। आपको सिंगल इमेज करनी है या वीडियो, हमने यूज कर लिया सिंगल इमेज ठीक है। अब यहाँ से आप एक इमेज ये यूज कर सकते हो, मैंने एक इमेज यूज करती हूँ। यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रहे हैं, तो अकाउंट इमेजेस कर सकते हो या पेज इमेज कर सकते हो या आप स्टॉक फोटो में से भी ले सकते हो ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे क्या है, स्टॉक जो हमारा आई स्टॉक वगैरह का होता है, अगर यहाँ पे लिखा है ना सम स्टॉक इमेजेस मे नॉट कम्प्लाई विद द फेसबुक पॉलिसी रीड योर एडवर्टाइज बिफोर पॉलिसी इन सिलेक्टेड इमेज, अगर आप ये शटर स्टॉक वगैरह से आती हैं, अगर आप यहाँ से करते हो ठीक है, आप इस तरीके से सर्च करोगे तो यहाँ पे इमेजेस हो जाएंगी कुछ ठीक है, या हमें कुछ भी इस तरीके से। तो आप या तो ये यूज़ कर सकते हो, देखिए जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखा, तो यहाँ पर्टिकुलर क्या है ये पेजेस, ये क्या पेज हमारा यहाँ पे लोड होने लगी है। तो आप शटर स्टॉक से भी इमेजेस ले सकते हो, या आप खुद की बनी हुई कोई इमेज है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एड्स। तो आप या तो खुद आपके कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो, इसमें से जैसे हमने ये ले लिया एक ठीक है, आ चुकी है ये हमारी इमेज। इस तरीके से हमने ये ले ली, डिजिटल मार्केटिंग की ले रहे हैं। अब इसमें आपको कुछ एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हो, बट मैंने ये इमेज ले ली है। अब इसमें क्या है, देखो जैसे ये करेंगे, ये हमारी एड यहाँ पे इस तरीके से दिखाई भी दे रही है। अब बात आती है कि कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमें यहाँ पे क्या कंटेंट लिखना चाहिए, क्या कर लिखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अगर देखो प्रोडक्ट ब्रांड, तो अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, यहाँ पे क्या रहा है प्राइमरी, तो गेट इनरोल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ठीक है, ये लाइन यहाँ पे लिखी आ गई, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें क्या आ रही है हमारे पास, ये दिखाई दे रही है जैसे आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने फेसबुक पेज लाइक से रिलेटेड बनाई हुई है, अगर आप ये देखोगे तो मोबाइल न्यूज फीड में किस तरीके से दिख रही है, फेसबुक में यहाँ पे डेस्कटॉप न्यूज़ फीड पे करोगे तो डेस्कटॉप पे ये इस तरीके से दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ये एड इस तरीके से आपको शो होती है। अभी ये एड जैसे यहाँ पे ना शटर स्टॉक का वाटर दिखाई दे रहा है, ये जब आपकी एड, जब आपकी ये क्या हो जाएगी, आप इसको एड को पब्लिश करोगे तो ये शटर स्टॉक का जो ऑप्शन आ रहा है ये हट जाएगा, ये वाटर मार्क जो आ रहा है ये हट जाता है ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी
एड्स को क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना है, अगर आप किसको ये आइडिया नहीं है कि हमें प्राइमरी टेक्स्ट में क्या डालना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको मैं एक ऑप्शंस बता देती हूँ। हमारे पास फेसबुक के अंदर एक एड लाइब्रेरी का ऑप्शंस होता है, आपको गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पे आप जाओगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जैसे आप करोगे यहाँ पे आपको फेसबुक एड्स की क्या मिल जाएंगी, ईमेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की, ठीक है, यहाँ पे एक फेसबुक। अब मुझे ना यहाँ पे कुछ लोगों को, जैसे मुझे क्या किसी भी कई लोगों को क्लियर नहीं होता कंटेंट क्या लिखना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं इसके लिए आपको एक ऑप्शंस बताती हूँ कि आपको जाना है फेसबुक एड लाइब्रेरी, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एड देखनी है। जैसे गीतांजलि की है, इसने एड चलवाई हुई है, तो इसने देखो कुछ एड चलवाई है अपने क्लॉथ्स के ऊपर, देखो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इसकी 6 नवंबर 2019 की थी, इसने अपने एड में लिखा था गीतांजलि फॉर यू प्रेजेंट द लेटेस्ट। बट अब मेरी जैसे मान लो एजुकेशन से रिलेटेड बना रही हूँ, तो एक अनअकैडमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अनअकैडमी एक ऐप है एजुकेशन से रिलेटेड है, अनअकैडमी ऐप की हम डिफरेंट डिफरेंट एड्स देखते हैं, उन लोगों ने अपने एड्स में कंटेंट क्या डाला हुआ है, जैसे देखो प्रिपेयर, जैसे इनकी एड्स हैं यहाँ पे देखो, प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम अनअकैडमी विद एजुकेटर, सब्सक्राइब नाउ, यूज कोड +10% ऑफ, देखो इन्होंने ये कंटेंट डाला हुआ है यहाँ पे, ग्रेट थिंग। तो आप लोगों को अगर कुछ भी आइडिया नहीं कंटेंट कैसा है, तो आप यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी की हेल्प ले सकते हो। दूसरा, फेसबुक एड लाइब्रेरी की आपको ये भी पता चल जाता है कि मार्केट में आपका जो कॉम्पिटिटर है आप उसने कौन सी ऐड चलाई हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं आप देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट, ये देखो फ्लिपकार्ट की एड्स यहाँ पे दिख जाएंगी, फ्लिपकार्ट ने ये 25 को दिख रहा है कि ये एड चलवाई थी, देखो उन्होंने अपने एड्स में बी ड्रेस इन द बेस्ट ऑफ योर फेवरेट और टेस्ट प्राइस इज फ्लिपकार्ट। तो यहाँ से आपको कम से कम आप एटलीस्ट 150 एड्स देखो, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें अपने एड में किस तरीके का कंटेंट डालना चाहिए। अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ, एक मैंने मेरे फेसबुक में रॉयल डिजिटल सर की काफ़ी एड्स आती हैं, तो इनकी ऐड देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये सर कराते हैं, तो इनकी काफ़ी मैंने देखा है कि मेरे उसमें एड्स आती हैं, तो मैंने भी देखा इन लोगों ने अपने कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, इंडियन ट्रेंडिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो मेरे पास, क्योंकि जो भी पर्सन है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ना हमने कैसे ऑडियंस को टारगेट किया था, तो यहाँ पे क्या, जो ऑडियंस टारगेट और डिजिटल मार्केटिंग मैंने जब भी सर्च करते, तो इन्होंने मुझे मतलब इन्होंने क्या ऑडियंस अपनी टारगेट की हुई है डिजिटल मार्केटिंग वालों, तो उन लोगों को मेरी क्या है एड, तो इसीलिए स्पॉन्सर्ड पेज में मेरी, तो इनकी देखो कितनी सारी एड्स बनी हुई हैं सर की। तो आप इस तरीके से एक आइडिया ले सकते हो कि ये डिजिटल मार्केटिंग की आपको कैसे, अगर दूसरी बात अगर मैं और भी देखूँ, एक ये यहाँ पे श्री राम सर की, इनकी आज मेरे पास ऐड आई हुई थी दिख, मैंने देखा, तो इस तरीके से मुझे ना देख के आइडिया से पता चल जाता है इन लोगों ने क्या कंटेंट यूज़ किया हुआ है, किस तरीके से ये लिखते हैं। तो आप लोग ऐसी फेसबुक एड लाइब्रेरी की हेल्प से ये चेक कर सकते हो लोग किस तरीके से कंटेंट डालते हैं, किस तरीके से क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कंटेंट डालना नहीं आता अपनी ऐड के लिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो फेसबुक में अपनी ऐड के लिए कंटेंट तैयार कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा ये था, हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, अब यहाँ पे क्या है, मैंने सिर्फ फेसबुक पेज के लिए लाइक के लिए ही ऐड चलवानी थी, तो इसमें देखो यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है, लाइक कमेंट, ठीक है। तो कुछ लोगों में आपने, अगर मैं यहाँ पे अगर देखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इन्होंने साइन अप लिखा हुआ है, ये बटन फ्री वेबिनार, ये तब आता है अगर मैं ये क्या कर दूँ, जैसे जिसमें अगर और भी ऑप्शन, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक, जैसे साइन अप वगैरह के ऑप्शन कब आएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है DM006 इस तरीके से, तो यहाँ पे जो प्राइमरी टेक्स्ट और ये कंटेंट वगैरह, जैसे हम साइन अप वगैरह के ऑप्शंस डालते हैं, DM006 एजुकेशन वेबसाइट लाइक पेज के लिए बना रखा है, आपको अगर इसमें से आप यूज़ करते हो या वीडियो व्यू या फिर लीड जनरेशन,
ठीक है, तो वहां पे ये जो ये बटन होते हैं साइन अप वगैरह, क्योंकि मैंने अभी ऐड कौन सी चलवाई हुई है, लाइक वाली, तो इसलिए लाइक वाले में आपके यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं आ रहे। अदरवाइज यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी कैसे साइन अप, किसी में लर्न मोर लिखा आता है, किसी में साइन अप लिखा आता है, किसी में फॉर्म फिल करने के लिए आता है, वो तब आता है जब आप ऑब्जेक्टिव, अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, फेसबुक लाइक पेज से रिलेटेड, तो इसीलिए अभी मेरे ऑप्शन में सिर्फ क्या आ रहा है यहाँ पे लाइक का, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि लाइक पेज, ठीक है, डीएम जो वेबसाइट इस तरीके से। तो आप अपनी एड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। देन हम इसको कर देते हैं अभी कंफर्म। जैसे आप ये कर दोगे, अभी मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक एड का एक आइडिया बताया है कि किस तरीके से हम एक बेसिक एड को तैयार करते हैं। तो आपको अपनी बेसिक एड्स के लिए आपको सबसे पहले आज आपको ये टास्क करना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे आपको कम से कम 150 एड्स देखनी है, लोगों ने किस तरीके से, जो भी पर्सन्स हैं एड्स किस तरीके से चला रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तनिष्क की, ठीक है, देखो तनिष्क वालों ने इस तरीके से अपने ऐड में क्या कंटेंट डाला हुआ है, किस तरीके से इमेजेस यूज़ किए। तो यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर की, किस कॉम्पिटिटर ने कौन सी एड चलवा रखी है, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उन लोगों ने कौन सा कंटेंट यूज़ किया है, एड कब चलाई है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर, ये ऑप्शंस हो जाता है। तो कम से कम 150 एड्स देखो उन लोगों ने क्या कंटेंट डालते हैं, आप उन्हीं कंटेंट को थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करके आप अपनी एड को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो देखो अभी मैंने जो एड बनाई थी उसका नाम क्या रखा था, फेसबुक एड। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास एक एड यहाँ पे जो मैंने अभी बनाई वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो इसके पेज लाइक के अंदर हमने पहले क्या बनाया था, हमने पहले एक ऐड, हमने एक एड सेट बनाया, उसके ये हमारा पहले क्या था, उस एड का नाम था, और ये हमारे पास क्या आ गया एड, इस एड सेट के अंदर हमने क्या एड चलवाई थी, ये वाली एड एजुकेशन इमेज, ठीक है। तो आप अगर दोबारा से अगर आप ऐड कराना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन से आ रहा है डुप्लीकेट, हमें उसी ऑर्डर, क्योंकि मैंने ऑर्डर ऑलरेडी सेट कर दिए 18 to 35, और क्या सिलेक्ट कर दिया था कि जिनका इंडेक्स मिंत्रा में हो, जिनका इंडेक्स ऑलरेडी मैंने ऑर्डर इसमें क्या कर दिया सेट, तो आप यहां से दोबारा से जाके डुप्लीकेट ऐड क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, आप डुप्लीकेट ऐड क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बस अब क्या करना होगा, उसी ऑडियंस को मुझे दूसरी ऐड दिखानी है, तो आप ही क्या कर सकते हो, क्रिएटेड डुप्लीकेट हमें अब करनी है, तो आप डुप्लीकेट आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आप अब ऐड क्या होगी, ऑडियंस मेरी पूरी की पूरी वही होगी, बट इसमें क्या होगा, मेरे पास मैं इमेज दूसरी लगा दूंगी। तो इससे हम डुप्लीकेट का फायदा ये होता है कि मुझे दोबारा से ऑडियंस सेट नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ से आप इमेज क्या कर सकते हो, चेंज, ठीक है, आपको जो यूज़ करनी हो, आपके या तो शटरस्टॉक से यूज़ कर सकते हो, या आपकी कोई इमेज अपलोड है पहले से तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो इसमें से करना चाहो आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ये क्या है, आप क्या होगा इसमें सिर्फ आपको वही एड उन्हीं लोगों को, मतलब ऐड क्या हो गया, अब ऐड का कंटेंट चेंज हो गया है, हमें इस तरीके से इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आप अब ये आपकी दूसरी ऐड तैयार हो जाएगी उसी ऑडियंस को दिखाने के लिए। आई होप थोड़ा ये आपको जो चीज़ें ये क्लियर होगी, इसको हम और भी डेप्थ में करेंगे, अभी सिर्फ आज आपको मैंने आपको बेसिक ऐड का एक आइडिया दिया है, आप लोगों को आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द बेसिक ऐड फॉर द फेसबुक एड्स रिलेटेड, तो देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।